उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? उस बुढ़िया ने कहा, हे माता श्वासन दे तो मैं अपने आप बीती आपको सुनाऊ। बुढ़िया की बात सुनकर संकट दुख दूर करना ही मेरा काम। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, तरह तरह की बातें सुनाया करती है, ताने मारती है, उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागनी स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागनी